हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशी फैशन। आज मैं इस ग्रीन ब्लाउज डिजाइन के कटिंग स्टिचिंग का फुल ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके अंदर हमारा ये मेन फैब्रिक है। इस मेन फैब्रिक के ऊपर हमारा ये यहाँ पर ये ब्लाउज बना हुआ है। इसके अंदर जैसे ये हमारा इसके अंदर ये फ्रंट हिस्सा है और ये हमारा इधर इसका बैक हिस्सा है। एक फ्रंट हिस्सा है और एक हमारा यहाँ पे इसका बैक हिस्सा है और यहाँ पर ये हमारी इस तरह से स्लीव्स है। तो आज इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो का फुल ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग नहीं करेंगे, हम सबसे पहले हमारी लाइनिंग के ऊपर कटिंग करेंगे हमारी। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर इसका मेजरमेंट दिख रहा है, सेम हमें इस मेजरमेंट को लेते हुए इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर हमारी लेंथ है इसके अंदर 14.5 इंच और मैं इसमें 1 इंच का मार्जिन देती हूँ, 15.5 इंच ले रही हूँ। जो हम सबसे पहले बैक साइड की कटिंग करेंगे तो बैक साइड की लेंथ है हमारी यहाँ पर 14.5 इंच, तो मैं 1 इंच का मार्जिन देती हूँ, 15.5 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 15.5 इंच लिया है और यहाँ पर हमें इसमें ले रही हूँ शोल्डर, ले रही हूँ 6 इंच। मैं यहाँ पे 40 साइज का बना रही हूँ, 40 साइज के अंदर मैं यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ शोल्डर। और यहाँ पर हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। और यहाँ पर हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो 40 इंच का फोर्थ भाग लेंगे हम यहाँ पर 10 इंच, और 10 इंच में हम यहाँ पर इसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे, 10 इंच 2 इंच में मार्जिन का प्लस करेंगे और यहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ अब हम यहाँ पे हमारे वेस्ट लेंगे, कमर लेंगे, कमर है हमारी यहाँ पे 36, तो 36 का फोर्थ भाग होता है 9 इंच, तो हम 9 इंच लेंगे, 1 इंच इसमें टस्क का लेंगे और इसमें भी 2 इंच का मार्जिन लेंगे और यहां से इसको मिला देंगे। और यहाँ पर 1.5 इंच से आर्मोर को गोलाई देंगे। बैक हिस्से में हमें 1.5 इंच से आर्म होल को गोलाई देनी है और ये हमारी बैक साइड की मार्किंग हो गई है। तो हम इसमें नेक की कटिंग बाद में करेंगे, तो हम ये जो बैक साइड की जो मेन मार्किंग है वो कर ली है और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। ये हमारे बैक साइड की कटिंग कर ली है और अब हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। फ्रंट हिस्से कटिंग करेंगे तो ये हम हमारा बैक साइड रखेंगे, जो हमारा बैक साइड है इस बैक साइड से हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये यहाँ पे हमारा बैक साइड यहाँ पर है और इसमें हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हम यहाँ पे फ्रंट हिस्से के अंदर बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा पे हमें मार्क लगाना है। ये हमने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और ऊपर से हम यहाँ पे एज इट इज मार्किंग करेंगे इधर से। और ये जो आर्म होल है इधर की तरफ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि यहाँ पर हमारा टस्क आएगा, तो टस्क के लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए एक्स्ट्रा लेना है और इसको यहाँ नीचे की तरफ मिला देना है। ये हमने इसको मिला दिया है और हमारे बैक साइड को भी हटा लिया है और ये मार्किंग कर लिए हमने। और इसके अंदर यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम आर्म होल को गोलाई देंगे। यहां से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है। फ्रंट हिस्से में हम 1 इंच से आर्म होल को गोलाई देते हैं, तो हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए और फिर गोलाई देनी है। ये हमने यहाँ पे आर्म होल को 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई दे दी है और यहां से हम इसमें 3.5 इंच लेंगे। आगे से बेल्ट की मार्किंग करेंगे नीचे की तरफ, तो आगे से तो हमें 3.5 इंच लेना है और पीछे की तरफ से हमें 3 इंच लेना है। और यहां पर हम इसको मिला देंगे। यहां से तो हमारा सीधी लाइन आएगी और इसको हम यहाँ पे गोलाई में लेते हुए मिलाएंगे। ये यहां पर हमारी इसके अंदर बेल्ट की मार्किंग हो गई है और ये हमारी फ्रंट हिस्से के ऊपर की मार्किंग हो गई है। और इसमें भी हम नेक की कटिंग बाद में करेंगे, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये हमारी फ्रंट हिस्से की कटिंग हो गई है और ये हमारे बैक हिस्से की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने इस तरह से ली है। यहाँ पर मैंने ये फोल्ड है और फिर इसको एक बार और फोल्ड कर लिया, तो हमारा फोर फोल्ड हो गया है। और अब हम यहाँ पे इसे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेंथ है इसकी 11 इंच, मुझे तैयार चाहिए तो मैंने 12 इंच ली है। 12 इंच मैंने लेंथ ली है इसकी स्लीव्स की। और यहाँ से हम लेंगे हम आर्मोल लेंगे। आर्मोल हम यहाँ पर ले रहे हैं 10 इंच। यहाँ से हम इसमें 3.5 इंच पर आर्मोल को गोलाई देंगे। यहाँ पर हमारी इसकी स्लीव्स की लेंथ ज्यादा है इसलिए हम यहाँ पे 3.5 इंच से आर्मोल को गोलाई देंगे। अगर आपकी लेंथ कम हो तो आप इसमें 3 इंच से भी आर्मोल को गोलाई दे सकते हो, लेकिन मेरी लेंथ ज्यादा इसलिए मैं 3.5 इंच से इसको आर्मोल को गोलाई देंगे। यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट करेंगे। जो भी हमारी चेस्ट होती है उसमें हम 1 इंच ऐड कर लेते हैं तो हमारी आर्मोल आ जाती है। आर्मोल हमारी चेस्ट का फोर्थ भाग होकर उसमें 1 इंच ऐड कर लेते हैं तो हमारी 40 थी। तो 40 का फोर्थ भाग होता है 10 इंच। 10 इंच में मैंने 1 इंच मार्जिन का लिया है तो 11 इंच आ गया और ये हमारी इस तरह से आर्मोल आ गई है। यहाँ तक हमारी इसमें आर्मोल आ गई है। जो भी हमारी चेस्ट होती है उसका फोर्थ भाग लेके उसमें 1 इंच ऐड कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर आर्मोल की चौड़ाई आ जाती है। और यहाँ पर हम इसमें स्लीव्स लेंगे, स्लीव्स का बॉटम हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी इसकी स्लीव्स की चौड़ाई है 6 इंच। 2 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे और यहां से इसको मिला देंगे। ये हमारी स्लीव्स की हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हम हाफ इंच अंदर की तरफ इसमें गोलाई देंगे। फ्रंट हिस्से के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ से गोलाई देंगे। यहाँ पर हम फ्रंट हिस्से के लिए इस तरह से निशान लगा देंगे। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है और ये हमारी लाइनिंग पर हमने फ्रंट से बैक से और स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब इनकी कटिंग हम हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक लेंगे। ये हमने इस तरह से इसको रखकर हमारे बैक हिस्से की कटिंग कर ली है और अब हम फ्रंट हिस्से की कटिंग करेंगे। ये हमने यहाँ पर इसमें फ्रंट हिस्से के लिए भी इसकी कटिंग कर ली है। इनको हम बाद में तैयार करेंगे और अब हम हमारी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है और अब हम हमारा बैक हिस्सा लेंगे और बैक हिस्से को तैयार करेंगे। ये हमने बैक साइड को हमारे जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर रखकर और इसको
हमने ऑल पिन से अटैच कर दिया है और अच्छे से सेट कर दिया है। हमें हमारे जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर हमारे बैक साइड को रख के पहले ऑल पिन से अटैच करके इसको सेट कर देना है। और सबसे पहले तो हम यहाँ पे नीचे जो हमारे लेंथ के अंदर जो हमारे एक्स्ट्रा है इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे नीचे से जो एक्स्ट्रा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हम जब कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक की तो हमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और फिर कट करना है। ये हमने नीचे से कट कर दिया है और अब जो हमारे यहाँ साइडों के अंदर जो फैब्रिक कम पड़ रहा है तो ये जो हमने कट किया है फैब्रिक इसकी कटिंग करके अब यहाँ पे साइडों के अंदर इसमें अटैच कर देंगे। मैन फैब्रिक के अंदर जो भी हमारे यहाँ पे जो कम पड़ रहा है इसके अंदर हम यहाँ पर मैन फैब्रिक को कटिंग करके अटैच कर देंगे। और अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ से इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी हमारी नेक की कटिंग करेंगे। तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, बीच में कटते हुए हमें इसको फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड कर दिया है और अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। नेक जो हम यहाँ पर ये हमारी बनी हुई है इसके अंदर जो हमारे ब्लाउज के अंदर बनी हुई नेक उसे हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके और फिर इसको कटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे इसमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे हमारी इस नेक को। ये हमने हाफ हाफ इंच आगे की तरफ ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है और यहाँ पे आर्मोल की तरफ से भी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक हिस्से की कटिंग हो गई है और अब हम यहाँ पर पहले हमारे बैक हिस्से को तैयार करेंगे। हम हमारे बैक साइड की हम स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे साइडों के अंदर इसके अंदर जो जोड़ लगेगा उनको अटैच करेंगे। दोनों तरफ से हमें इसमें जोड़ लगा के इसको तैयार करना है पहले हमारे मैन फैब्रिक को। ये हमने यहाँ पर दोनों तरफ इसके अंदर फैब्रिक अटैच कर दी है। दोनों तरफ हमने फैब्रिक अटैच कर दी और हमारे मैन फैब्रिक को तैयार कर दिया है। अब ये हमारे इस तरह से मैन फैब्रिक लेंगे तो इसका जो सीधा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखेंगे और जो उल्टा वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखना है। और इसके ऊपर हम यहाँ पर लाइनिंग रखेंगे और इस तरह से लाइनिंग रखकर हम यहाँ बॉटम हिस्से में इसमें सिलाई लगाएंगे। हमें पहले तो नीचे मैन फैब्रिक रखना है और फिर इसके ऊपर लाइनिंग रख के और नीचे फिर बॉटम हिस्से में हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर इसमें बॉटम हिस्से के अंदर इसमें सिलाई लगा दी है और इसको फोल्ड करके हम सीधा कर लेंगे। ये हमने इसको फोल्ड करके सीधा कर लिया है और अब हम इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर इसके अंदर फिनिशिंग सिलाई लगा दी है नीचे की तरफ और अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ भी चारों तरफ इसमें सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर देंगे। हमें यहाँ से चारों तरफ इसमें सिलाई लगा के और फिर लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देना है। ये हमने यहाँ पे इसमें चारों तरफ सिलाई लगा दी है और अब जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है। हम यहाँ पर इसमें गले पे लगाने के लिए पाइपिंग के लिए पट्टी कट करेंगे। चाहो तो आप इसमें इस तरह से गोल्डन कलर की पाइपिंग भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये लेकिन मैं लाइनिंग की ही पाइपिंग कट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग ली है और इसमें से ही हम पाइपिंग कट करेंगे। तो हमें यहाँ पे तिरछी पट्टियां कट करनी है पाइपिंग लगाने के लिए। तो हम यहाँ पर ये हमारे इस तरह से फैब्रिक लेंगे और इसकी तिरछी पट्टी कट करेंगे। और ये जो हमने पट्टियां कट करी है तो हम इसको इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाएंगे। तो हमें इस तरह से तिरछी करते हुए रखते हुए और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से तिरछी रखते हुए और फिर हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा देंगे।
और अब इसको सीधी करके और फिर एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। अभी जो साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर देंगे और इसी तरीके से हमें ये दूसरी वाली पट्टी भी तैयार करनी है। अब ये जो दो पट्टियां हैं इन दोनों पट्टियों को भी हम ये जो दोनों पट्टियां तैयार की इनको भी हम अटैच करेंगे। तो हम यहाँ से इन दोनों को भी इसी तरीके से तिरछी करते हुए मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा के तैयार कर देंगे इस पट्टी को। ये हमने इस तरह से पाइपिंग की लंबी पट्टी तैयार कर ली है और अब हम इसको हमारी नेक पर लगाएंगे। तो ये हम इस तरह से हमारे बैक साइड लेंगे और ये जो हमारी पट्टी है इसको ये जो उल्टी तरफ वाला हिस्सा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और बाहर की तरफ सीधा वाला हिस्सा रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके और हम इसमें लगा देंगे हमारी इस पट्टी को। यहां से जो हमारा एक्स्ट्रा उसकी कटिंग कर देंगे और फोल्ड करके और हमें यहां पर इसमें नेक पर लगानी है। इस तरह से इस नेक पर हमें इस पट्टी को लगानी है। ये हमने यहाँ पे इसमें सिलाई लगा के अटैच कर दी हमारी पाइपिंग को और अब हम यहाँ इसमें अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाएंगे। हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके यहाँ पर इसमें सिलाई लगानी है पूरी में। ये हमने इसमें फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब एक सिलाई हम इसके बिल्कुल पास पास में लगाएंगे जिससे हमारे इसके अंदर ये जो पाइपिंग है ये पीछे की तरफ से दब जाएगी। तो हमें एक सिलाई इसमें एक पेयर का मार्जिन रखते हुए इसमें लगानी है सिलाई। ये हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है। इसमें एक पेयर का मार्जिन लेते हुए हमने इसमें सिलाई लगा दी है। हमारी पाइपिंग भी दब गई है और इसमें फिनिशिंग लुक आ गया है। और अब हम इसमें टस्क भरेंगे। तो टस्क भरने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देंगे जो हमारा बीच का हिस्सा है वहां तक हम इसमें फोल्ड करेंगे और इधर की तरफ हम इसके अंदर टस्क भरेंगे। और दूसरा टस्क भी हमें ऐसे ही भरना है। ये हमने यहाँ पे इसमें टस्क भर लिए हैं और ये हमारे इस तरह से बैक साइड हमने तैयार कर दिया। ये हमारा बैक साइड तैयार है और अब हम फ्रंट हिस्से को तैयार करेंगे। ये अब हम हमारा फ्रंट हिस्सा लेंगे और ये जो फ्रंट हिस्सा है इसको हम बीच में से कट करेंगे। तो हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके और यहाँ पर हम पहले तो इसकी इसको यहाँ पर बीच से इसको कट करेंगे। हम यहाँ पे फ्रंट ओपन बना रहे हैं इसलिए हमें बीच से इसको कट करना है। ये हमने यहाँ पर इसको बीच से कट कर दिया है और अब हम पहले यहाँ पे नीचे की तरफ लाइनिंग रखेंगे। ये जो हमारी लाइनिंग है इसको रखना है हमें यहाँ पर नीचे की तरफ और लाइनिंग रखकर और इसके ऊपर हमारा मैन फैब्रिक रखेंगे। ये हमने यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ लाइनिंग रख ली है और इसके ऊपर हमारा मैन फैब्रिक रख लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और फिर कट करना है। वो सिलाई के अंदर चला जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर हाफ हाफ इंच लेते हुए और फिर कट करेंगे। और अब हम ये नेक यहाँ से इसके निकाल लेंगे हम हमारी लाइनिंग को और अब हम इसके ऊपर से रखेंगे इसको। ये हमने यहाँ पर इस तरह से कट कर लिए बेल्ट को रखकर और हमने यहाँ पर इसको भी कट कर लिया है हमारे इस बेल्ट को। ये हमने यहाँ पर फ्रंट हिस्से की भी कटिंग कर ली है और अब हम इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको एक दूसरे के अपोजिट साइड रखेंगे। इस तरह से रखकर और अब हम यहाँ पर इसमें चारों तरफ सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देंगे।
ये हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक अटैच कर दी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक निकल रहा है इसकी कटिंग कर देंगे हम। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और इसी तरीके से हमें जो हमारे फ्रंट हिस्से का जो दूसरा वाला हिस्सा है उसको भी तैयार करना है सेम ऐसे ही। ये हमने दोनों हमारे फ्रंट हिस्से तैयार कर दिए हैं और अब हम इसमें टस्क में निशान लगाएंगे। तो हम एक हिस्सा लेंगे हमारा, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में हम यहाँ से ऊपर से इसकी लेंथ लेंगे, जो हमारी टस्क की जो लेंथ है वो लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 10.5 इंच, हम 10.5 इंच लेंगे। ऊपर से हमें जो टस्क की लेंथ लेनी है वो 10.5 इंच और इधर से विड्थ लेंगे हम यहाँ पे 4 इंच और इस तरह से एक मार्क लगा देंगे। 10.5 इंच तो लेंथ और 4 इंच विड्थ लेनी है और यहाँ पर एक मार्क लगा देना है। और यहां से हम इसकी लेंगे, यहां से हम नीचे की तरफ लेंगे 1.5 इंच का गेप देकर और फिर हमें यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। ये है जो गेप आएगा, ये हमारा 1.5 इंच का गेप आएगा और यहाँ पर जो हमारा आएगा वो आएगा 1.25 यानी 1.25 इंच का गेप आएगा। 1.25 इंच का गेप देना है, 1.25 इंच का गेप देके और फिर यहाँ पर निशान लगाना है। और यहाँ पर हम इधर वाला जो टस्क के तीसरा इसमें 2 इंच का गेप लगाएंगे। और इधर से भी 2 इंच का गेप देके और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहां पर हमें 1.5 इंच का गेप देना है, इस वाले में हमें 1.25 यानी 1.25 इंच का गेप देना है और इन दोनों के अंदर में 2 इंच का गेप देना है। और ये हमने इसमें टस्क पे निशान लगा लिया है और इसको हम डार्क कर लेंगे इनको। ये हमने इस दूसरे वाला जो हिस्सा है उसको इसके ऊपर रख दिया है और फिर इसके ऊपर रखकर और हमें हल्का हल्का प्रेस करना है इसके ऊपर। तो ये हमारे इस पे भी निशान आते हैं टस्क के और इसको हम डार्क कर लेंगे। ये हमने दोनों के अंदर टस्क पे निशान लगा दिया है और इसमें हम टस्क भरेंगे। चारों टस्क भर लिए हैं और ये हमारे इस तरह से इतना अच्छा इसका पफ आया है। यहाँ पे देखिए, ये हमने इतना अच्छा इसका पफ आया है, चारों टस्क भर लिए हैं और अब इसी तरीके से हमें दूसरे वाले हिस्से में भी इसी तरीके से टस्क भरने हैं। ये हमने दूसरे हिस्से के अंदर भी इसमें टस्क भर दिए, हमारे दोनों हिस्से के अंदर हमने इसमें टस्क भर दिए हैं और अब हम इसमें बैंड को तैयार करेंगे। नीचे नीचे जो हमारा बैंड लगाएंगे उसे तैयार करेंगे अब हम। तो इसे भी हम हमारे अपोजिट साइड रखेंगे, एक दूसरे को पहले इनके अपोजिट साइड रखेंगे। ये हम इस तरीके से अपोजिट साइड रखेंगे, हमें दोनों जो हमारे बेल्ट है उनको इस तरह से अपोजिट साइड रखना है और फिर इसके नीचे हम यहाँ पर लाइनिंग रखेंगे। लाइनिंग रख के इसके ऊपर हमारा ये इसके नीचे हम यहाँ पे मैट फैब्रिक रखेंगे, मैट फैब्रिक के ऊपर हमारी लाइनिंग रखेंगे और लाइनिंग रख के हम चारों तरफ से सिलाई लगा के लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक की उसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर दी है और ये हमारे तरह से बेल्ट तैयार है। इसी तरीके से हमें जो दूसरा वाला बेल्ट है वो भी इसी तरीके से तैयार करना है।
ये हमने यहाँ पर दोनों बेल्ट को तैयार कर लिया, हमारे दोनों बेल्ट तैयार है और अब हम इनको हमारे फ्रंट हिस्से के अंदर अटैच करेंगे। तो ये हम हमारा फ्रंट हिस्सा लेंगे, हमें इस तरह से हमारा फ्रंट हिस्सा लेना है और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये हम हमारा बेल्ट लेंगे तो हमें यहाँ इसके ऊपर की तरफ इस तरह से रखकर और इसमें सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है, तब भी सीधे होने के बाद ही इस तरह से आ जाएगा हमारा बेल्ट। तो हमें इस तरह से ऊपर की तरफ रख के और इसमें यहाँ पर बेल्ट अटैच करना है। ये हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम यहाँ पर इसको सीधा करके और इसके ऊपर पक्की सिलाई लगाएंगे। हमें इसे सीधा करके इसके ऊपर पक्की सिलाई लगानी है। ये हमने नीचे की तरफ इसमें सिलाई लगा दी है और ये हमारे इस तरह से बेल्ट अटैच हो गया है इसके अंदर और इसी तरीके से हमें दूसरा वाला बेल्ट भी अटैच करना है। ये हमने दोनों हिस्से के अंदर इसके अंदर बेल्ट अटैच कर दिया है, ये हमारे दोनों हिस्से के अंदर बेल्ट अटैच हो गया है और अब हम यहाँ पर इसमें आयुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पट्टियां ली है और हमें आयुक की पट्टी अटैच करनी है इसमें। ये हमने यहाँ पर इसके अंदर आयुक की पट्टी लगा दी है, इधर तो हमने यहाँ पे हुक की पट्टी लगा दी है और ये हमने यहाँ पे इसमें आयुक की पट्टी लगा दी है। तो ये हमारी इसमें आयुक की पट्टी लग गई है और अब हम यहाँ पर इसके अंदर नेक के अंदर यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो जिस तरीके से हमने बैक साइड के अंदर पाइपिंग लगाई है सेम वैसे हमें यहाँ पे आगे के नेक में भी हमें वैसे की वैसे ही इसमें पाइपिंग लगानी है। ये हमने यहाँ पर इसके अंदर ये पाइपिंग अटैच कर दी है। ये हमने यहाँ पर इसमें जैसे हमने बैक हिस्से के अंदर पाइपिंग लगाई थी सेम हमें वैसे ही लगाने फ्रंट हिस्से में भी और हमने यहाँ पर इसमें पाइपिंग अटैच कर दी है। और ये हमारे इस तरह से फ्रंट हिस्सा तैयार है और अब हम हमारे जो बैक हिस्से और फ्रंट हिस्से दोनों के शोल्डर को अटैच करेंगे। तो हम हमारा इस तरह से बैक हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर हम हमारा फ्रंट हिस्सा रखेंगे और इस तरह से रखकर दोनों के शोल्डर को अटैच करेंगे। ये हमने सिलाई लगा के दोनों के शोल्डर को अटैच कर दिया है। ये हमारे इस तरह से दोनों के शोल्डर ये अटैच हो गई है और अब हम इसकी स्लीव्स को तैयार करेंगे। हम ये हमारी स्लीव्स लेंगे और स्लीव्स को हम सबसे पहले इस तरह से लेंगे। ये हमें इस तरह से रखना है हमारे स्लीव्स को भी आमने सामने और फिर ये जो हमने निशान लगाया था ये हमारे इस तरह से आमने सामने आना चाहिए। तो अब हम इस तरह से रखेंगे हमारे स्लीव्स को और इसके इसके नीचे हम पहले मेन फैब्रिक को रखेंगे। मेन फैब्रिक रखना है हमें इसके नीचे पहले। ये हमें इस तरह से मेन फैब्रिक को रखना है पहले। तो इस तरह से हमें मेन फैब्रिक को रखना है, सीधा हिस्सा जो ऊपर की तरफ आएगा और ये जो उल्टा वाला हिस्सा वो नीचे की तरफ जाएगा। मेन फैब्रिक को इस तरह से रखकर और इसके ऊपर हम हमारी लाइनिंग रखेंगे और लाइनिंग रखकर हमें सबसे पहले यहाँ बॉटम हिस्से में इसमें सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ बॉटम हिस्से में इसमें सिलाई लगाएंगे और इसको अटैच करेंगे। और जिस तरह से हम यहाँ पे एक स्लीव्स को तैयार कर रहे हैं सेम हमें वैसे दूसरी स्लीव्स को भी तैयार करनी है। ये हमने यहाँ पर इसके अंदर बॉटम हिस्से में इसमें सिलाई लगा दी है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से और सीधी करके एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। हमें इस तरह से सीधा करके इस एक सिलाई और लगानी है। ये जो सिलाई है इसको हम लाइनिंग की तरफ रखेंगे इस तरह से और इस तरह से रखकर और एक सिलाई हम यहाँ पर इसके ऊपर लगाएंगे। ये हमने इसमें सिलाई लगा दी है, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये हमारे अच्छे से फिनिशिंग के साथ आएगा। ये देखिए ये अच्छे से सेट हो गया, हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ आया है और अब हम एक सिलाई यहाँ पर भी लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है और हमने यहाँ पर इसमें चारों तरफ भी लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर दिया है सिलाई लगा के और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे हम। ये हमारी इस तरह से स्लीव्स तैयार है और अब इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी तैयार करनी है।
ये हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर लिए, हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई। अब हम इसको हमारे ब्लाउज के अंदर अटैच करेंगे। ये हम हमारे ब्लाउज लेंगे और ये हमारी इसकी आर्म होल लेंगे और ये हमारी इस तरह से स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स का जो ये वाला हिस्सा है जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा कट किया था, फ्रंट वाला हिस्सा, वो वाला हिस्सा लेंगे और उसको हमें आगे की तरफ रखना है, फ्रंट हिस्से की तरफ। और हमें यहाँ बीच से अटैच करना है। यहाँ बीच से हम पहले तो आगे की तरफ इस तरह से अटैच कर देंगे, यहाँ पे सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे, फिर यहाँ पीछे की तरफ हम इसमें सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। और इस तरह से अटैच करना है हमें यह हमारी स्लीव्स को इस ब्लाउज के अंदर। हमने इसके अंदर हमारी यहाँ पर स्लीव्स अटैच कर दी है और इसी तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच करनी है। मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव्स अटैच कर दी है। ये हमारी दोनों तरफ हमने इसमें स्लीव्स अटैच कर दी है और अब हम इसमें साइड की सिलाई लगाएंगे। तो साइड की सिलाई लगाएंगे तो पहले हम इसको बिल्कुल हमारे इस ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। ये हम इस तरह से सीधा कर लेंगे हमारे ब्लाउज को और सीधा करके और यहाँ पर हम इसमें बिल्कुल किनारे किनारे पर इसमें सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हमें यहाँ पर पास पास के अंदर इसमें सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ पे साइड में सिलाई लगा दी बिल्कुल किनारे पर और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। ये हमने इसको फोल्ड कर दिया है और अब हम यहाँ पर इसमें एक बिल्कुल पास पास में लगाएंगे इसमें सिलाई। यहाँ पर बिल्कुल पास पास में इसके अंदर सिलाई लगानी है। ये हमने यहाँ पर इसमें सिलाई लगा दी है फोल्ड करके और अब ये जो हमारे नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा है, जो हमारे फ्रंट हिस्से के अंदर जो एक्स्ट्रा है, हम उसको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे। जो हमारा ये आगे की तरफ फ्रंट हिस्सा वाला ये जो एक्स्ट्रा वाला है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर से इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके और यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करके और यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। जब हमने यहाँ इसमें नीचे की तरफ इसमें सिलाई लगा दी है यहाँ पर और फोल्ड कर दिया है, इसमें नीचे की तरफ हमने इसमें सिलाई लगा दी है और इसमें नीचे की तरफ भी इसमें फिनिशिंग आ गई है। और अब हम यहाँ पर इधर फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे। ये हमने साइड वाली सिलाई लगाई है, यहाँ पर हमें इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। हमारा जो भी मार्जिन था वो लेते हुए हमें यहाँ पर इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है साइड में। ये मैंने यहाँ पर दोनों तरफ इसके अंदर फिटिंग की सिलाई लगा ली है और मैंने इसको फोल्ड करके सीधा कर लिया है और ये मेरी इस तरह से ब्लाउज डिजाइन तैयार है। फ्रेंड्स, मेरी ब्लाउज डिजाइन आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।